ये जो टायर पड़े हुए हैं पंचर वाले का सारा सामान, टायर, बाइक, साइकिल वगैरह वगैरह जो अंदर भरे हुए थे, सभी युवा साथियों ने मिलकर बाहर निकाला है इन्हें। राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृत संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी और सगरून नवयुग मंडल और महादेव ग्रुप है रोशन जी। तो मैं क्यों राज्य सरकार में मुनू, पंचायत समिति भी नहीं, जिला एक पंचायत स्तर पे पुंजारे बात है, आदिवासी बात है, मुंडे का तो मचीन वाला निकल कर मैं कि आदिवासी समाज रहा भाई कभी भी बैठे मीटिंग करे, बातचीत करे, चौमासो वे ठंड पड़े, वर्का वे, कहीं भी वे तो दो मिनट बैठे अणी बात है। सीपी साहब तेरू स्पेशल मंजूरी ली या जगह ही बंदरी योगेश जोशी वीडियो बातागूट कर नमड़ेगी तो आज भी या जगह सचिव, लेकिन मैं रिस्क ली थी, नोटिस आया पंचायत समिति तीन का कि आपने व्यक्तिगत खातेदारी जगह पे आदिवासी सामुदायिक भवन कैसे बनाया। मैंने कहा मैं सरपंच था, बना दिया जी कर डाल दो, भवन तो है जा है और बना दिया। मैंने कोई मेरे घर का भवन नहीं बनाया, मारे डांडा चौपा नहीं बंद लिखो तो मेरे खुद के उपयोग में नहीं, सामुदायिक भवन है ठीक है। ये पास आप दुकान वाला गणी मोटरसाइकिल मैं ले गई, चाय मिल गया तो ठीक है, खाली खुलियो तो मिल लिया। अब आना क्यों मैं भी खाली कराऊ, अभी 10 मिनट में जो भी सामान हो वैसे खाली करवा दिया। भवन बनामा सरपंच सर कर कमलों में और सरपंच यही था उन्होंने हित में कार्यकाल लियो और माने आदिवासियों ने यूं की थाना आदिवासियों ने मांगा के था डेरा और भवन मोटे बनाई रहा तो माने एरिया रहा सब सहमत भी आगे सरपंच साहब आप रे कमलों में बने रहे भवन बोल कर राणा पूंजा रे बात रे कोई माने भील समाज रहा कोई आवे जा बैठे उठे मान लो लेट फास कदी भी तो बने दीजो अणाने अणा सरपंच साहब बने मने दे दीजो। अबे अतरा दिन तो आयो पीड़ियो हो तो अबे आपड़े तो एरिया में ग्रुप रे वाला बोल ले भाई आपड़े एरिया में राणा पूंजा रे नाम कड़ी जगह बनी लिखी नहीं तो हगरून में जन बरगर सोरा है तो फतेह नहीं क्यों मीटिंग लेना था हर महीना एक महीनारी एक तारीख तो मैं क्यों भाई ठीक है अतरा दिन तो पीड़ियो तो पीड़ियो तो यार समुदाय भवन में जाना सरपंच साहब फुल सहयोग दियो आंडे वाले एक सरपंच साहब वाले ताली बजाओ जोरदार ज्यादा नहीं वैसे क्या आपको लेकिन मैं उसी समाज रो बड़ी में एक रिपो ही नहीं थी अब एक रिपो है घटी समाज हाँ वो करा 4 महीना 6 महीना साल भर में एक रिपो ही करते थे पंच पंचायती है जिसे राज्यों पे 5 रिपा काटे 10 रिपा काटे तो जेब में नहीं मिले पुजारी मूर्ति में एक प्रताप भी दो बेटे लग गए बड़ी में और समाज सेवा करते भीख नहीं मांगूंगा घटेगा तो मुझे हां बढ़िया हो देखो आप आगे आने मंडल वगैरह मंडल आगे साहब आ गए पुंजा जो है राणा पुंजा और प्रताप नहीं बैठा तो स्थान मारी थी मैं ऊंची करने बात करवा रही स्थिति में नहीं बैठा बड़ा दो सहयोग दे दो यार बड़ा बेटा गोड़ू आपरू ही है दुनिया रो आदिवासी मेवाड़ आदिवासी रहा हाँ मैं गर्दन ऊंची लेने बात नहीं कर सके क्यों कि मुगलों जो लड़िया राजपूत तो हाथ युद्ध लड़िया मारी गया हरदार हा कटिया गमे तेरी सेना वाणी पूजा सेनापति बनियो कि मुगलों मारी सेना आज दुनिया में कटे जागीर नहीं है लेकिन पांडवरा जो ठिकाणो है मेवाड़ दरबार जी एक जागीर दीदी थे कि हो हतर वो उमरा हो आज दुनिया में कटे घोड़ा
पांडर उम्र मैं राणा पुंजारा वंश है, एक जागीरदार मतलब सीधो थको। और राणा पुंजा थाने में भी होलंकी वेगा, मुंह भी होलंकी, राणा पुंजा होलंकी वंश। हां हां तो उन्होंने मान लो यार, माने वंश रो है। अब एक काम कर, अबे यो ए जे, अबे हुनो, अबे एक हुनो, अब मैं यूं कहना चाहूं, हां आई जगह जो एक तो राणा पुंजारी जो मोटी लागनी सावे, एक महाराणा प्रताप री मोटी लागे सावे, दुआ की हटे करो जो मारी समाज भिक्षा मांगी मो बनावा। ओए बोलो मिल्क कड्यू कई करागा, कड्यू कई करागा, या मोटी लागनी सावे, कड़ी जागा लागनी सावे, हिस्सो वणी में नु सावे। और आप यहाँ राणा पुंजा और महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए मैंने जो प्रयास किया वो बताऊँ। मेरे एक मिलने वाला दोस्त हैं जो पूरे इंडिया में 108 मूर्ति लगवा रहा, कितने महाराणा प्रताप की 108 मूर्ति लगा रहा। जब हमारी राणा पुंजा संस्था से उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं राणा पुंजा की भी लगाऊंगा, ठीक है, आपके एरिया में कोई दो स्थान बताऊँ हल्दीघाटी में, वहाँ एक विशाल राणा पुंजा और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाऊंगा। तो मैं चाहता तो मेरे सेमा गांव में भी लगवा सकता था, तो मैंने देखा एरिया में किस जगह लगनी चाहिए, तो मैंने देखा अपने समाज की एकता होनी चाहिए, तो एक महाराणा प्रताप भवन और राणा पुंजा भवन बड़गर चौराहे पे बना हुआ है, तो मैं उसको उधर मचीन ले जाते हुए घुमाते हुए फिर यहाँ पे लाया और मैंने ये लोकेशन बताया कि यहाँ महाराणा प्रताप भवन भी है और राणा पुंजा भवन भी है, यहाँ महाराणा प्रताप की और राणा पुंजा की मूर्ति लगनी चाहिए। तो उसने जो स्थान यहाँ पे चयन किया कि हम अगर सरपंच साहब से हमारी बात हो और हम इस चबूतरा पे लगा दें, तो मैंने बोला चलो मैं सरपंच साहब से बात करूँगा, इसे कहूँगा, वो लोकेशन चबूतरे का देख के गया, एक विशाल राणा पुंजा की मूर्ति और महाराणा प्रताप की मूर्ति वो उसकी तरफ से लगाना चाहता है। तो आपका अगर सरपंच साहब से मैं निवेदन करता हूँ आपका अगर, लेकिन काले आप लोग कितर के सकोगा कि मारो एनी में नहीं, इंसान जी हमने डालनी पड़ी, नहीं अपने डालनी पड़ी, इंसान जी डालनी पड़ी, अपने अंदर अपने डालो थोड़ा आज मैं मान लिया, अरे अपने भी भाई अपने लागना भाई, जैसे बनी आदमी क्यों है सरकार जी, सुनो मेरी बात क्या है, मैं बचा करता दे आप अपने समाज को लाख होना चाहिए, इसका भाग आपने रहेगा, भाग किसके आप भाग आपने लेना चाहिए। खाली मंडल मेंबर हो बिना में मीटिंग में जंदर एक तो राणा पुंजारी वाली पेटी में ना निकाल दे, पूछू है तासू है रजिस्टर है पानी है मीनो वेन बोली बोली में ना अतरा गरीबा बेड़ा वही गया, अतरा गरीबा और चावे सुख मुहूर्त देख उधार ले लिया, लेकिन मारो जटा तक विचारी हो है कि एक छोटो बालक गरीब बालक है एक 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 भाया 32 गांव है, कितना गांव है 32 गांव का हो अरे बाबी जो भी आए मैं अगे रहा हिंसा राजी मैं दीदी हूँ मूर्ति में लागे भी बहुत आए बहुत दस दिन में मैं भी निर्णय कर लूँगा महीना री एक मीटिंग रखो पर अगे आवना सब ही सफिया सब ही देना रही में कर लो ये पैसे एक महीने में एक बंदा को लिया जाएगा ठीक है और बने पैसा हर महीने मतलब वो बंदा वो मीटिंग में आएगा अगली मीटिंग में नहीं अगली मीटिंग में वो आएगा और मीटिंग को मतलब यो भी भेजेगा और कहीं समस्या भेजेगा कहीं अपने समाज में खाना छोड़ा रहे